मिस्टर परफेक्शनिस्ट अब नजर आने वाले हैं एक कंट्रोवर्शियल लॉयर की बायोपिक फिल्म में, या फिर उन्हें देखा जाएगा गुलशन कुमार जी की बायोपिक फिल्म में। वेल, जहां अभी कॉमेडी ड्रामा फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज भी नहीं हुई है, तो अब इसे आमिर खान के पास आने लगे हैं नेक्स्ट फिल्म्स के ऑफर्स। Sources ने रिवील किया that there is a biopic of a controversial lawyer that he has been offered and there is also Moghul in the kitty. अब अगर आप सोच रहे हैं कि मोगुल कौन सी फिल्म है जो आमिर को ऑफर की गई है, तो आपको बता दें ये टी सीरीज के फाउंडर लेट गुलशन कुमार जी की बायोपिक फिल्म का टाइटल होगा जो आमिर को ऑफर हुई है। अब आमिर इन दोनों बायोपिक फिल्म्स में से किसे चूज करते हैं ये तो टाइम ही बताएगा। बट वहीं आमिर कंसीडर कर रहे हैं दूसरे ऑप्शंस भी, यानी आमिर को आरएस प्रसन्ना भी डायरेक्ट करेंगे जिन्होंने शुभ मंगल सावधान को भी अपनी डायरेक्शन दी थी। आमिर प्रसन्ना के साथ स्पेनिश फिल्म कैंपियंस की हिंदी एडाप्टेशन लेकर आएंगे जिसकी स्क्रिप्ट तो लॉक हो चुकी है, बट वहीं आमिर वेट कर रहे हैं इस फिल्म को अनाउंस करने का, एज वो पहले 11 अगस्त को रिलीज होने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा का रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं, जहां उनके साथ नजर आने वाली है करीना कपूर खान। वैसे तो कैंपियंस के हिंदी एडाप्टेशन का शूट इस ईयर सेप्टेम्बर या अक्टूबर से स्टार्ट की जाने की उम्मीद बताई जा रही है। बट इन्हीं फिल्म्स के साथ ही आमिर के पास है एक और ऑप्शन। दरअसल आमिर के बेटे जुनेद की फिल्म महाराजा जल्द ही हमें देखने को मिलेगी, जिसे फिलहाल सिद्धार्थ पी मल्होत्रा डायरेक्ट कर रहे हैं। तो इसी सब के बीच सिद्धार्थ आमिर के साथ कई मीटिंग्स कर चुके हैं और उनके साथ काफी आइडियाज भी शेयर कर चुके हैं, जिसमें से एक आइडिया आमिर को काफी पसंद आया है, जिस पर उन्होंने सिद्धार्थ को कहा है कि वो स्क्रिप्टिंग रेडी करवाएं। यानी अगर सिद्धार्थ की स्क्रिप्ट आमिर को आ जाती है पसंद, तो आमिर नेक्स्ट ईयर इस फिल्म के लिए शूट करेंगे। वेल, वी आर रियली लविंग हाउ दी सुपर स्टार्स आर ऑन अ फुल रोल टू ब्रिंग अस सम न्यू प्रोजेक्ट। बट वहीं लाल सिंह चड्ढा के बाद आमिर कौन सा प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फॉर मोर सच बॉलीवुड न्यूज एंड अपडेट्स कीप वॉचिंग बूगल बॉलीवुड।